Hello students, standard 5th, how are you all? I hope fine there. So students, in a computer, now we are already starting lesson number 8, arithmetic with MSW logo. In this video, we are understanding about label command. This command is used to write any text or number in the MS logo main screen. लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट कमांड देखा था. डू यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स? प्रिंट कमांड कहाँ पे प्रिंट करता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आउटपुट. और लेबल कमांड है वो मेन स्क्रीन में आउटपुट देता है. टाइप द फॉलोइंग कमांड इन द इनपुट बॉक्स. नीचे जो कमांड दिया है वो इनपुट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको मेन स्क्रीन में आउटपुट मिलेगा. लेबल 980. स्पेस तो जरूरी है. Label space 980. It will print the number 980 at the turtle position vertically in the main screen. Turtle का head किस तरफ है? पता है ना आपको? Turtle का head ऊपर की तरफ है. तो ये इस तरफ ऐसे type करेगा. Output ऐसे मिलेगा. अगर turtle इस तरफ हो तो वो horizontally type करेगा. Right? If you want to print any text, अगर आप कुछ text लिखना चाहते हो तो सेम डबल कोटेशन मार्क या तो स्क्वायर ब्रैकेट. द डबल क्वोट्स आर यूज्ड इफ यू वांट टू राइट ओनली वन वर्ड. एक ही वर्ड लिखना है तो डबल कोटेशन यूज कर सकते हैं. द स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज्ड इफ यू वांट टू राइट मेनी वर्ड्स. कोई सेंटेंस लिखना, एक से ज्यादा वर्ड लिखना है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो. लेबल स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट I like logo, square bracket over. This will write I like logo at the turtle position. Turtle position vertically है तो वो ऐसे ही output मिलेगा, like this. देख रहे हो ना? हाँ, तो वो turtle का head ऊपर की तरफ है इसलिए वो vertically ऐसे print हो गया है, like logo. अब इसको हमें horizontally type print करना है, आउटपुट चाहिए. तो उसका क्या है कमांड? RT90 दे दो पहले. RT space 90, जिससे क्या होगा, टर्टल है उसका हेड ऐसे टर्न हो जाएगा, राइट टर्न 90 एंगल पे. राइट एंगल तो पता है आपको. दिस विल राइट आई लाइक लोगो. देखो है, टर्टल को RT 90 देने से टर्टल का हेड राइट साइड टर्न हो गया. और जैसे ही हमने ये दिया लेबल स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट में आई लाइक लोगो तो वो हॉरिजॉन्टली आ गए, है ना? ऐसे लेबल कमांड प्रिंट करता है. उसके बाद क्लियर टेक्स्ट कमांड जो मैंने आपको बोला था. दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द आउटपुट और कमांड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स. ये जो हम जितने भी इनपुट बॉक्स में कमांड यहाँ पे देते हैं ना, ये कमांड इनपुट बॉक्स है. जितने भी यहाँ पे कमांड देते वो सब यहाँ पे सेव हो जाते हैं. ये क्या है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स. अब इसको क्लियर करने के लिए ये काम आता है, क्लियर टेक्स्ट कमांड. सीटी देने से ये सब क्लियर हो जाएगा. कैसे देना है? टाइप द MSW लोगो कमांड, प्रिंट ब्रैकेट में आई एम लर्निंग लोगो कमांड्स. तो प्रिंट यहाँ पे दिया इसलिए प्रिंट क्या करेगा, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में इसका आउटपुट मिलेगा. राइट प्रिंट कमांड है वो कहाँ प्रिंट करता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में. और लेबल कमांड मेन स्क्रीन में, बराबर है? तो ये उसका आंसर. अब हमें इसको क्लियर करना है तो क्या करना है? एग्जीक्यूट द क्लियर टेक्स्ट कमांड. क्लियर टेक्स्ट लिख दो और एग्जीक्यूट बटन दबाओ, या तो CT शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और एंटर की दे दो तो भी ये क्लियर हो जाएगा. उसके बाद है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आपको मैथ्स में ऑलरेडी सिखाए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसके सिर्फ नाम अलग है. देखिए ऑपरेटर क्या है, प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. यहाँ पे उसके नाम अलग अलग है. ये मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन इसके नाम में एक बार देख लेते हैं कि एडिशन है उसको हम बोलते हैं सम ऑपरेशन लोगो में, ठीक है?
और माइनस है उसको बोलते हैं डिफरेंस, ये इसमें नहीं दिया है, मैं अलग से बता रही हूँ आपको। माइनस को सब्ट्रैक्शन को डिफरेंशिएट बोलते हैं, फिर मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट ऑपरेशन बोलते हैं। ये जो स्टार की साइन है वो मल्टीप्लाई, कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई समझता है, ये करेंगे तो वो कंप्यूटर इसको एक्स समझेगा, इसलिए ये नहीं करेंगे। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई की ये साइन है, जो स्टार है 8 नंबर है उसके ऊपर है, उसको लोगो में प्रोडक्ट बोलते हैं। और डिवीजन स्लैश, ये डिवीजन की साइन है, उसको बोलते हैं क्वोशेंट ऑपरेशन। अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तब तक के लिए इतना फिर से देख लेना वीडियो में, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।